तो दोस्तों देखिए, आपसे हम एक कह देना चाहते हैं कि जो माही मनीषा है एकदम खत्म कलाकार, उसको कलाकार ही नहीं मानते हम, क्योंकि वो उसके अंदर इतना घमंड है, ऑर्केस्ट्रा वाला लड़की के पास इतना घमंड है। बताइए, थोड़ा सा नाम हो गया क्या, थोड़ा सा मतलब कोई पूछने लगा तो इतना ज्यादा एटीट्यूड हो गया है, बाप रे बाप, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। 8 दिन पहले पैसा देना पड़ता है। एक कलाकार के ऊपर भरोसा नहीं हो तो किसके ऊपर भरोसा कर सकती है? बताइए, आम जनता अगर उसका साटा कर ले, प्रोग्राम कर ले, तो बताइए क्या होगा। एक कलाकार के ऊपर जब किसी का साटा और किसी का प्रोग्राम जब बुक हो जाता है भैया, तो उसके बाद में प्रोग्रामों में जब कोई नहीं जाता है ना, तो उसके जूता चप्पल चलता है। उसको पता था वो कलाकार है? कलाकार अगर होती तो उसको पता होता कि कलाकार का मतलब क्या होता है, साटा का मतलब क्या होता है। आप किसी से प्रोग्राम बुक करके आप नहीं आइए, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पैसे के पीछे भाग रही है, आपको कोई ज़्यादा दे दिया होगा। ऐसा नहीं होता है माही मनीषा। तुम आज आँख का आँख नहीं, कान खोल के सुन लो और आँख खोल के देख लो कि इस धरती पे कोई मतलब चला नहीं है। जो चलता है वो खड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आपका मार्केट में नाम है तो आप हमेशा रहिएगा। आप समझिए कि आपका शुरुआत हो गया, आप ख़त्म हो रही है। आपके अंदर जो घमंड आ गया है ना कि हम 8 दिन पहले पैसा लेंगे, बाप रे बाप, एक कलाकार से पैसा लीजिएगा आप 8 दिन पहले। खेसारी और पवन सिंह के प्रोग्राम में तो फ्री में प्रोग्राम करने जाती है। क्या कहने वाला गलत कह रहा है? तुम सही बोल रही है। 1500-1500, 2000 पे तुम लोग डांस करती थी पहले ऑर्केस्ट्रा में जा जाकर। एक से एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। आप कहाँ बैठी हुई है? आप देखते नहीं है नेट पे देखिए कि आपका स्थिति क्या हो गया है। माही मनीषा, यही सब करने के लिए आपको कोई स्टार बना दिया है? कम से कम सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए। चलिए, सीएस मिश्रा और कलू जी के पास उतना नॉलेज था, उतना टैलेंट था, शायद अगर छोटा कलाकार के आप मतलब साथ में अगर वो प्रोग्राम बुक हुआ होता तो उसका तो ज़िंदगी ही ख़राब कर देते हैं, उसका ज़िंदगी ही ख़राब हो जाता। चलिए, तो बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि